बार बोला तुमको कि चाइना चाइनीज हट से मत खाया करो। देखो हो गया ना तुमको भी हमारे जैसा। अबे तुम लोग वकील लोग हमेशा गलत टाइम पे ही फोन करते हो। सॉरी सर, मैं भूल ही गया था कि आपको बवासीर की दिक्कत है। सर एक्चुअली एक नया केस आया है, बॉलीवुड क्लासरूम के कुछ बच्चे हैं, नेपोटिज्म वगैरह का मामला है, तो आ जाइए ना। हाँ ठीक है, तुम पहुंचो, आ रहे हैं। ए सरस्वती, पकौड़ा रहने दो यार, ये काम आ गया यहाँ पे। अब तो जज साहब, बॉलीवुड क्लासरूम के प्रोफेसर करण जौहरी पे नेपोटिज्म यानी कि भाई भतीजावाद यानी कि कुनबा परस्ती यानी कि नेपोटिज्म का आरोप है। इसके लिए मैं कुछ गवाहों को इस कोर्ट रूम में पेश करना चाहूंगा, अगर इजाजत हो। सर इजाजत। इजाजत इजाजत क्या, बुलाना है जिसको बुला लो, क्या दिक्कत है। कोर्ट रूम है, आपका घर नहीं है, थोड़ा सा बेसिक एटिकेट्स होता है। मेरा घर ही है बे। ठीक है सर। देखिए जच्ची, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, क्लियर कर दूँ कि ये जो प्रोफेसर खुद को प्रोफेसर कहते हैं, कोई प्रोफेसर नहीं, ये ट्यूशन माफिया है। हाँ, आउटसाइडर कितनी सारी मेहनत करते हैं, 4 से 5 घंटे हम लोग एंट्रेंस टेस्ट की लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन एडमिशन किसे मिलता है? प्रोफेसर किन्स को, क्योंकि ये जो अधर्मा नाम से इन्होंने दुकान खोल रखी है, हम लोगों से तो कोई मोमोस तक के लिए नहीं पूछता है ट्यूशन के बाद, ये सब वहाँ जाके कॉफी पीते हैं। तो आप देखिए किस तरीके से। ठीक है जज साहब, अगर आप इजाजत दे तो मैं एक दूसरे विटनेस को बुलाना चाहूंगा। मेरा भी खत्म नहीं हुआ है, देखिए मेरे पास इनका पूरा काला चिट्ठा है, किस तरीके से अभी देखिए मैं इनका किस तरीके से सारा के सारा की पोल खोलती हूँ। जज साहब यार इनको चुप कराइए, मुझे दूसरे विटनेस को बुलाना है। अब आप मुझे बोले क्यों नहीं दे रहे हैं? पहले कहेंगे आप बोले चूड़िया, बोले कंगना, और फिर जब कंगना बोलती है तो सबको ऐसा मिर्ची लग जाती है। तो आप देखिए कि मुझे आप नहीं रोक सकते, क्योंकि मुझे तो पद्मश्री अवार्ड मिला है, वो भी डिबेट कंपटीशन में। जो जो अनदर पांडे है उसको विमल बेस्ट आंसर राइटिंग अवार्ड मिला है ऑब्जेक्टिव टाइम। तो देखिए ये तो कितने कमाल बात हो गई कि ऑब्जेक्टिव। चुप, बिल्कुल चुप। मैं नहीं खेलना जज साहब, वकील मैं हूँ कि ये बोलने का काम मेरा है, मैं नहीं खेलूंगा। हाँ तो मत खेलो, जाओ, हमें क्या। अच्छा ठीक है, तो जौहरी साहब इंडस्ट्री चैंपियन हैं आप, गॉसिपिंग में फेवरेटिज्म में आप टॉपर हैं, और इंडस्ट्री किड्स के आप गॉडफादर भी हैं, तो क्या मिलता है ये सब करके आपको? ये सब तो पॉलिटिक्स में एंटोनियो माइनो भी कर रही हैं, क्या करें, वो जॉब छोड़ दें। सी what Kangna is saying, I agree with that. That all the professor kids get admission, but it's just because of their hard work. हम लोग उनको बचपन से ट्यूशन देते हैं, and they made and designed for the school only. You only see their success, but you just can't ignore the amount of hard work they put in. आपको अंदाजा भी है कितना struggle होता है इनकी life में? पहली बात तो इतनी अंग्रेजी हमें झाट समझ में नहीं आती, और दूसरी बात कौन सा struggle? My first struggle is कि मैं चंकी स्टार पाने की बेटी। And second, you outsiders blame us for taking tuitions. You know, कितना मुश्किल होता है जब 15-20 coaching classes आपको admission देना चाहती हूँ, आपको scholarship देना चाहती हूँ, and you don't even know why. It's really difficult for us. You know what, कितना मुश्किल होता है अपने ही बाप के projects को फिर से करना? People start calling you names, like सस्ता गोविंदा. But they don't know कि हमको कितनी मुश्किल से Hollywood से फाइल चुरानी पड़ती है, उनके नाम change करने पड़ते हैं. एक बार तो मैंने ही गलती से इंसेप्शन की जगह दिलवाले लिख दिया, बाय गॉड क्या गालियां पड़ी हैं, बट आई डोंट केयर। हर साल लगभग 10 से 15 प्रोफेसर किड्स का सिलेक्शन होता है, पता है कितना परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाना पड़ता है अवार्ड्स के नए नए नाम सोच। अबे क्या चल रहा है यार, बोले जा रहे हो तुम लोग, क्या क्या इंडियन आइडल चल रहा है? मैं नेहा कक्कड़ देख रहा हूँ तुम लोगों को, तुम कहानियां सुनाओगे मैं टीआरपी के लिए आंसू बहा दूंगा। जौहरी जी, आप पे आरोप है कि सलमान भाई और चोपड़ा के साथ आपने मिलके दूसरे बच्चों के प्रोजेक्ट छीने हैं, उनके प्रोफेसर्स को धमका के। ओके, देन कॉल सलमान ओनली ना, ही इज द मैन विद द गोल्डन हार्ट, ही विल नॉट लाई। बात सही है तुम्हारी। सुनिए भोसड़ी के, कितनी बात कहा है कि विवेक को प्रोजेक्ट में नहीं लेना है, काम करो शेरा के बेटे को ले लो, अगली बार अगर कुछ ऐसा हुआ ना तो ड्राइवर भेजता हूँ मैं। यार करो ना इनका। वो लॉकडाउन में बहुत सारे जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए ड्राइवर
का इंतजाम किया है वही बता रहा था। तो सलमान भाई, आपके ऊपर नेपोटिज्म और दूसरों से काम छीनने के कुछ आरोप हैं, इसके बचाव में आप क्या कहना चाहेंगे? जैकलीन इसको ले जाना भी। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा, ये जो भी आरोप लगे हैं ये बेहुदा है, और बात अगर नेपोटिज्म की जाए, यानी कि भाई भतीजावाद, तो ये बहुत ही बढ़िया है। और बात छीनने की है तो परमानेंट ऐश मेरी भी नहीं रही और ना ही कैट। तो सर मैं आपको बता दूं, आप इस चीज का ब्राइट साइड तो देख ही नहीं पा रहे सर। एक आदमी, एक स्टूडेंट अगर साथ साथ प्रोजेक्ट कर रहा है, तो हम अगर उससे वो सात प्रोजेक्ट छीन कर सात नए लोगों में प्रोजेक्ट बांट रहे हैं, तो इफेक्टिवली सर हम छह नए लोगों को मौका दे रहे हैं। दैट्स व्हाट वी डू इन बीइंग ह्यूमन। और मुझे इस बात का बहुत गर्व है सर, बहुत ज्यादा। और मैं करण को इस बात की शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि जो कर रहा है वो करता रहे। व्हाट आर यू सेइंग सलमान, आर यू सीरियस? और भाई आ गया स्वाद, ये तो वही बात हो गई आ बैल गांड में। जस्ट गिव मी वन मोर चांस, मैं अपने फ्रेंड सीआर को कॉल पे बुलाना चाहूंगा। अबे शाम को छील के खाऊं कि चूस के खाऊं, एक काम करता हूं, काट के खा लेता हूं। आजकल आम आदमी का खट्टी तो रहा है। क्या बात है। तो एक्शन सीआर जी, क्या आप नेपोटिज्म को सपोर्ट करते हैं, और अगर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं? आउटसाइडर्स को इग्नोर करके, या फिर स्टार किड्स को लॉन्च करके, या फिर दोनों? जी ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं बताना चाहूंगा कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया है जी, और मैंने स्ट्रगल यूं किया है कि मैं सुबह 4 बजे उठता हूं और 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई करके 4:15 बजे जाके सो जाता हूं, क्योंकि जो है बड़े बूढ़ों ने कहा था, मैंने बचपन में सुबह का याद किया हुआ ज्यादा याद रहता है। सर मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, आप क्या बोल रहे हैं, जल्दी बोलिए ना, 1.5 GB डेटा है। छोटू छोटी छोटी बातें मत पकड़, जो सवाल तूने पूछा है उसी का जवाब दे रहा हूं। ये बता कि तू कितने बजे उठता है? 12 बजे उठता है। अबे आलसी सुस्त कही के 12 बजे तो मैं उठ के बर्तन, अब मेरा मतलब है 4 लेक्चर भी अटेंड कर लेता हूँ। हमें देखो, हम भी एक टाइम पे आउटसाइडर हुआ करते थे, और अब देखो 21 साल में करियर डबल गुरु, 21 साल में करियर डबल। मेरा तो पासपोर्ट भी यहाँ का नहीं है, और अब देखो प्रिंसिपल के फेवरेट बन गया। सर मुद्दा इतना मत घुमाइए कि मैं घूम जाऊं। तुम लोग स्ट्रगल कुछ करते नहीं हो, मेरी तरह बनो, 4 बजे उठो, उसके बाद सवाल पूछना, चलो निकलो। तो देखा जज साहब, जौहरी साहब के दोस्तों ने नेपोटिज्म और खुद इनको कुछ इस तरीके से नजरअंदाज कर दिया जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट्स में टैलेंट और मिडिल क्लास को करते हैं। मैं इसे अधर्मा क्लासेस का कर्मा कहना चाहूंगा। अभी के अभी सभी स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन करवाया जाए और डिसाइड किया जाए, चलो। जी जी सर जी। एक तरफ पे हमारे टीम प्रोफेसर के सबसे पहले अनदर पांडे, फिर आते हैं क्रिटिक रोशन, और भूलिएगा नहीं इनके पास तो वरुण डिकैप्रियो भी है, और दूसरी तरफ पे हमारे पास है टीम आउटसाइडर्स, सबसे पहले कंगना रनआउट। जी मैं अकेली हूँ। नहीं नहीं क्या बात कर रहे हो, आपके पास तो MC शेर भी है। चलिए बढ़ते हैं क्विज के तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ? आई नो इट्स मोदी। चाइना। देखिए वकील, आप जानबूझ के इनसे मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं। मेरे को मालूम है, सी जिनपिंग ने 1974 में CPC ज्वाइन किया और 2013 में चाइना का प्रेसिडेंट बन गया। He's right. He's absolutely right. मैं प्रोफेसर के बेटा हूँ सर, मैं अपने पापा से सीख के आया हूँ, और मैं वॉर्मिटो में भी आया हूँ। आजा, जम के मुकाबला आएगा। हम थोड़े से बेवफा क्या हुए, आप तो बदचलन ही हो गए। मतलब आपके और आपके पिताजी के पास तो बहुत सारा पैसा है आपको बॉर्नविटा खिलाने के लिए, पर इतना उम्मीद नहीं थी कि आप यहाँ बच्चों के साथ बैठ के नेपोटिज्म को सपोर्ट करेंगे। ये बहुत गंदे लोग हैं माँ, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ है माँ, बहुत गलत लोग है, मैं हार रहा हूँ माँ। क्या कंगना जी, रुला दिया ना बेचारे को। खैर दूसरा क्वेश्चन, 77, 78 और 69 में किसका बड़ा, कौन सा बड़ा है? 69। जी वकील जी, 78 होता है। ये घंटा सबसे बड़ा क्लासरूम नंबर 2147, ये बाहर के जबरी लोगों ने बम फोड़ा तो 2 साल सस्पेंड हुआ रे मैं। अरे वो थोड़ा खिसक गए, स्कूल से पास नहीं हुए ना। खैर तीसरा और अंतिम क्वेश्चन, हु रोट और नेशनल एंथम? इट्स जावेद साहब। नो, गुलजार खान।
I know it's Vande Mataram. Bodhad, it's Rabindranath Tagore and it's Jana Gana Mana. मैंने और आयला ने तो मिलकर एग्जाम में वंदे मातरम ही लिखा था और टीचर ने हमें फुल मार्क्स भी दिए थे. करेक्ट. इसी के साथ 2-1 से टीम आउटसाइडर की लड़ाई जीत जाती है. जैसा मैं तो बोल ही रहा था, अब आप फैसला सुना दीजिए. मैं बड़े देर से पॉटी रोक के बैठा था. तो देखिए भैया, तमाम सबूतों, गवाहों और स्टार किड्स को नजर में रखते हुए यह अदालत इस फैसले में पहुंची है कि ये जौहरी और इसके साथी जो है, दे आर दी फ्लैग बेयरर ऑफ द नेपोटिज्म. और इसी के साथ ये अदालत टैलेंट बढ़ाओ देश बचाओ आंदोलन एक्ट के तहत सभी लोगों से गुजारिश करती है कि आप टैलेंट को अप्रिशिएट कीजिए, टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका दीजिए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनकी मदद कीजिए. इसके अलावा नेपोटिज्म का तो ऐसा है भैया कि देखिए, ये जो जादू का दोस्त है ये भी नेपोटिज्म से ही आया. इसके अलावा भी काफ़ी आया जिन्होंने बहुत हगा है, लेकिन ऐसा है कि हर किसी के पीछे हाथ धो के पढ़ना सही बात नहीं, समझे. अपने गली मोहल्ले में जो लोग हैं, जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कीजिए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए. और नहीं तो क्या. आपको वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों, दुश्मन, रिश्तेदार, मतलब मेरे तो बहुत सारे दुश्मन हैं. और कमेंट्स में बताइए कि अंधा कानून के अगले एपिसोड में आप क्या देखना पसंद करेंगे. और रही बात नेपोटिज्म की, तो देखो नेपोटिज्म तो हर फील्ड में ही रहता है, उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता. लेकिन जरूरत है कि हम लोग सभी मिलकर रियल टैलेंट को बढ़ावा दें. और उसके लिए हमें क्या करना है, हमारे आसपास कोई भाई बहन दोस्त अगर कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ नया कर रहा है, उसको सपोर्ट करें, उसे एक मौका दें. और ऐसे ही अच्छे कंटेंट को देखने के लिए अरे को सब्सक्राइब करना है और को लाइक करना मत भूलिएगा और घंटा दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा. यह अदालत यही पर हम स्थगित करते हैं. बाय बाय.